हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, इस समय मुझे आपके सपोर्ट की, आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज मैं बनाने जा रही थी दाल मखनी, तो सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। क्या पता मेरे फ्रेंड्स को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो आप सब भी इसे ट्राई कर सकते हैं एक बार। और ट्राई करने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ कमी लगे तो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि उन कमियों को मैं सुधार सकूं। तो मैं बना रही थी दाल मखनी, तो उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। सारी सब्जियां जो है वो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है स्वाद अच्छा आता है सब्जी में सरसों के तेल में बनाने से। तो सरसों के तेल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी जब तक कि इसमें हल्का हल्का धुआं ना आ जाए, नहीं तो फिर जो है ना सब्जी में इसके कच्चेपन की हीक आने लग जाएगी, मतलब महक सी आने लग जाएगी। इसलिए मैं तेल को अच्छे से पकाती हूँ धुआं आने तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सरसों का तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चुटकी डाल दूँगी हींग, और एक मैं यहाँ पर डालूँगी तेज पत्ता। बस इसके अलावा कोई भी मैं इसमें साबुत मसाले यूज़ नहीं करूँगी। मैं ज़्यादातर ही खड़े मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो आप पेस्ट देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे 2 टमाटर और 2 प्याज को बारीक बारीक काट के और उसको मैंने सिलबट्टे पे ऐसे पेस्ट बना लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास मिक्सर वगैरह नहीं है तो मैं सिलबट्टे पे ही ये सब काम करती हूँ। तो बारीक बारीक से मैंने काट के और सिलबट्टे पे इसे 1 चम्मच नमक डाल के मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पीस लिया है। तो इसको मैंने तेल में डाल दिया है और अब इसको मैं अच्छे से पकाने तक इसको फ्राई कर लूँगी। मसाला वगैरह हो गया या चटनी वगैरह हो गई, वो मैं सिलबट्टे पे ही बनाती हूँ। उससे क्या होता है, उसमें टेस्ट अच्छा भी आता है, और फिर दूसरी बात है कि मेरे पास मिक्सी नहीं है, और सिलबट्टे पे पिसा हुआ मसाला हो या फिर चटनी हो, उसका टेस्ट मिक्सी में पिसे हुए से ज़्यादा बेहतर होता है। टमाटर प्याज जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं कटोरी में, ये मैंने बनाया है, ये भी सिलबट्टे बना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर अच्छे से उसमें ही मैंने नमक डाल दिया था और हल्दी पाउडर डाल दिया था, और लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने इसी मसाले में डाल के और इसे पानी से ऐसे घोल बना लिया था। साथ ही इसमें मैंने आधी चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था, जिससे कि मसाले ड्राई ना हो जाएँ। तो जब ये टमाटर प्याज अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, टमाटर प्याज जो है अच्छे से पक चुका था, तो मैंने इसमें पूरा मसाला डाल दिया है। नमक जो है ना वो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा ही डाला था, उसे सिर्फ पीसने के हिसाब से, बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल दूंगी मसाले में। और देखिए, चम्मच की सहायता से मैं सारा मसाला जो है ना कढ़ाई में डाल दूंगी, ताकि थोड़ा भी मसाला जो है मेरा वेस्ट ना हो जाए। ये देखिए, सारा मसाला उसमें मैंने डाल दिया है और इसको मैं ऐसे अच्छे से चम्मच से मिला दूंगी। हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, क्योंकि मैंने इसी अदरक और लहसुन के पेस्ट में मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह सब इसमें डाल दिया था, क्योंकि मसाले जब पानी में फूल जाते हैं तो उससे और भी अच्छा ज़्यादा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो आप कभी ऐसे बनाइएगा, मसालों को ऐसे फुलाकर उसके बाद उसमें डालना। तो 5 से 10 मिनट पहले ही इसको मैंने ऐसे रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं उसी हिसाब से नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद मैं इसे एक बार ऐसे मिला दूंगी, और उसके बाद इसे मैं तब तक पकाऊंगी मसाले को जब तक कि इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही दाल मखनी में टेस्ट आएगा।
और जो है ना, जो राजमा थे और साबुत उड़द की दाल थी, वो मैंने दोनों ही एक एक कटोरी लिया था और उसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और फिर मैंने उसे कुकर में 7 से 8 सीटी में पका लिया था, हल्का सा नमक डालकर। तो कटोरी में जो हल्का फुल्का मसाला लगा था, उसे मैंने पानी डालकर इसमें डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाले में से जो तेल है वो अलग सेपरेट होने लग गया है। इसका मतलब है मसाला हमारा जो है अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे 1-2 मिनट के लिए और ऐसे चला लूँगी। इसी के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये उबले हुए राजमा और दाल। और राजमा में जो पानी है वो उसे मैं फेंकूंगी नहीं, वो उसे मैं इसी में डाल दूंगी इसी के साथ, जिससे कि उसमें ग्रेवी आ जाएगी पानी के साथ में ही। तो पानी के साथ ही मैं इसमें दाल और राजमा दोनों को मिक्स कर दूंगी मसाले में। ये देखिए, सारी दाल और राजमा मैंने सारे मसाले में डाल दिया है। और यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आप मैंने इसमें क्या करा है, प्याज और टमाटर को पीस लिया है मिक्स उस पे सिलबट्टे पर। और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया था, उसी में मैंने सारे सूखे मसाले डाल के उसका घोल बना लिया था। और उसके बाद ये जो उबले हुए राजमा और ये दाल है, इसको मैंने ऐसे मसाले में डाल दिया है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको ये तरीका बनाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, अच्छा लगे तो मुझे वो भी बताइएगा कि कैसा लगा। देखिए, मैं इसको ऐसे अच्छे से सभी मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। कंसिस्टेंसी भी आप देख रहे हैं एकदम ठीक है, इसमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दाल ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप इसमें अपने हिसाब से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी दाल की जो थिकनेस है वो मुझे ठीक लग रही है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और नमक डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे नमक मुझे लग रहा था शायद कम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट दाल बन चुकी है, क्योंकि मसाला भी अच्छे से भुन चुका था और दाल और राजमा तो पहले से ही बॉयल्ड थे, तो ये ऐसे ही बन जाती है, तो इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं रहती बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस वगैरह एकदम ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या कहते हैं वो दाल मखनी का मसाला है, तो वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी ऐसे ही। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी मक्खन, थोड़ा ही मक्खन रह गया था, मक्खन मेरा ख़त्म हो गया था, तो जो जितना भी था उसको मैंने ऐसे डिब्बे में से निकाल के इसमें डाल रही हूँ। तो मेरे पास थोड़ा ही मक्खन था, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा ऐसे इसमें डाल दिया है, क्योंकि मक्खन दोस्तों ख़त्म हो चुका था, आप लोगों से क्या ही छुपाना। तो यहाँ पे देखिए, दाल मखनी जो है वो मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा मक्खन भी डाल दिया था। और धनिया पत्ता मेरे पास नहीं था तो वो मैं नहीं डाल सकी, तो इसलिए अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा लास्ट में थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल पाई। तो यहाँ पे देखिए, दाल मखनी जो है वो मेरी बन के तैयार हो गई। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसे प्लेट से कवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार और अपना सहारा बनाए रखिएगा। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।